हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं इंडियन स्टाइल वेज पास्ता, जो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पास्ता उबालेंगे। उसके लिए हमने कढ़ाई में पानी गर्म होने रख दिया है। पानी में हम डालेंगे आधा चम्मच के लगभग तेल, आधा चम्मच नमक और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। पानी में बॉयल आने तक हम इसको कवर कर देंगे ताकि जल्दी से गर्म हो जाए। पानी अच्छे से उबलने लगा है। अब हमने इसमें पास्ता डाला है 1 कप। इसको अच्छे से मिला लेंगे। पास्ता जल्दी से पक जाए इसके लिए इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं पास्ता को। देखिए पास्ता अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम एक पास्ता चाकू से इस तरीके से काट के देखेंगे। ये अच्छे से कट रहा है, मतलब ये पक गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। पास्ता का हमने सारा गर्म वाला पानी अलग कर दिया है। अब हम इसमें नॉर्मल पानी डाल देंगे। अब हमने पास्ता छान लिया है, हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल लेंगे, इनको अच्छे से गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे जीरा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज को भून लेंगे चलाते हुए। प्याज हमारे हल्के भुन गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए शिमला मिर्च, इसको भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डालें। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। हम डालेंगे इसमें पके हुए लाल वाले टमाटर, 3 मीडियम साइज के हमने टमाटर लिए हैं। यहाँ पर टमाटर की क्वांटिटी हम थोड़ी सी ज़्यादा डालें। टमाटर को पकने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी से पक जाएं। थोड़ी सी डालेंगे इसमें लाल मिर्च। पांच मिनट हम सभी चीजों को ढक करके पकाएंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब हम टमाटर को इस तरीके से मैश कर लेंगे। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे पास्ता। अब हम मिलाएंगे इसमें 1 चम्मच जितना पानी ताकि ये पास्ता ज़्यादा सूखे ना लगे, थोड़े से सॉसी लगे, और आधा चम्मच नमक और मिला देंगे पास्ता के हिसाब से। 1 चम्मच हमने यहाँ पे डाला है ऑरिगेनो, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पास्ता में। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे।
पास्ता बनकर के तैयार हो गया है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसको गार्निश करेंगे फ्रेश धनिया के साथ। लीजिए तैयार है गर्मा गर्म पास्ता।